तभी मैं फाइनली पहुंचा हूं रतन टाटा जी के घर के पास। देख सकते हो यही वो बिल्डिंग है जहां पर रतन टाटा सर रहते हैं। इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे एक उनका बंगलो है। अभी मैं इस वाले रास्ते से अंदर जाने वाला हूं। फिलहाल मैं आप लोग को लोकेशन बता देता हूं। ये देख सकते हो ये है अनिल अंबानी सर का बिल्डिंग जहाँ पर पहले मुकेश अंबानी सर भी रहा करते थे। और ये साइड में पूरा जो है आर्मी की ऑफिस है। और बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास डेली ब्लॉग्स गाइस, आज मैं आप लोग को रतन टाटा जी से मिलवाने वाला हूं एंड फेस टू फेस उनसे हम लोग बातें करेंगे एंड देखेंगे रतन टाटा जी कैसे अपना जीवन जो है आज के टाइम पे व्यतीत करते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू बने रहना। ये छोटा सा एक इंट्रो मैं जो है ये बाद में ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा इंट्रो लिया था मैंने, जो वहाँ पर जाने के बाद कुछ अलग ही हो गया, तो ये इंट्रो मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। एंड रतन टाटा जी से चलिए आप लोग को मिलवाता हूँ एंड पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं रतन टाटा जी से और उनके घर का लोकेशन एंड एड्रेस वगैरह सब कुछ आज के ब्लॉग में हम लोग बताने वाले हैं। सो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। गाइस तभी मैं फाइनली पहुंचा हूं रतन टाटा जी के घर के पास। देख सकते हो यही वो बिल्डिंग है जहां पर रतन टाटा सर रहते हैं। इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे एक उनका बंगलो है। अभी मैं इस वाले रास्ते से अंदर जाने वाला हूं। फिलहाल मैं आप लोग को लोकेशन बता देता हूं। ये देख सकते हो ये है अनिल अंबानी सर का बिल्डिंग जहाँ पर पहले मुकेश अंबानी सर भी रहा करते थे। और ये साइड में पूरा जो है आर्मी की ऑफिस है और ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पे ही रतन टाटा सर का घर है। चलिए अभी मैं चलता हूँ पीछे की तरफ और वहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ। जो है अभी मैं पहुँचा हूँ सागर गार्डन में एंड यहाँ पर आने के लिए मुझे जो है 2 घंटे लगे हैं बाइक राइडिंग करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी मैं चलता हूँ उनके घर के पीछे की तरफ। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कैसे कैसे रास्ते से मुझे जाना पड़ रहा है उनका घर दिखाने के लिए आपको। चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू बने रहना। अगर यहाँ पर आप भी आना चाहते हो तो यहाँ से आ सकते हो। ये देख सकते हो ये पूरा जो है सागर गार्डन है, बट यहाँ पर ऐसे तो अलाउड नहीं करते आने के लिए। पहले जो है 1-2 साल पहले आप आ सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी जो है बिल्डिंग रतन टाटा सर की है। बंगलों से लेकर के बिल्डिंग से लेकर के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है रतन टाटा सर के दिखाने के लिए उनका घर बहुत ज़्यादा मैं अभी से लेकर यहाँ पर आया हूँ। देख सकते हो एंड गार्डन से जो है मैं इस तरफ अभी आ गया हूँ एंड अभी मैं दिखाता हूँ रतन टाटा जी को। एंड काफ़ी धूप अभी पड़ रही है, अभी शाम होते होते जो है रतन टाटा यहाँ पर निकलेंगे एंड यहाँ पर अपने बंगलों पे जो है वो बैठते हैं। चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू बने रहना एंड रतन टाटा जी से आप लोग को मिलाते हैं। गाइस रतन टाटा जी के घर के पास बड़ी बड़ी क्रूजें चलती है, यहाँ पर छोटी छोटी नावें चलती हैं और काफ़ी अमेजिंग व्यू है। देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर जहाज़ें भी चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से अभी मैं आया हूँ और मैं दोस्तों यही वो रतन टाटा जी का घर है, बंगलो है, जहाँ पर रतन टाटा जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। यानी जो है उनकी फैमिली तो है नहीं, पाया जाता है। और इनकी एक शानदार सी एक डॉगी भी है, वो भी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। पास में जाकर के आप लोग को दिखाने वाला हूँ रतन टाटा जी असली में ज़िंदगी कैसे जीते हैं, गुजर बसर यहाँ पर कैसे करते हैं। और काफ़ी अमेजिंग यानी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये बंगलो लगता है देखने में। देख सकते हो ये बंगलो जो है 250 करोड़ की लागत से बनाई गई है। पर रतन टाटा हमारे सामने बैठे हैं, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं जूम करके वीडियो। ऐसे तो उनका शर्ट वगैरह से आप लोग पहचान जाओगे, वीडियो थोड़ी जूमिंग ज़्यादा नहीं है इसमें, तो आप लोग मैनेज कर लेना। आप लोग को दिखाते हैं रतन टाटा जी को। यहाँ पर जो है शाम के आई थिंक 5-6 बजे यहाँ पर निकलते हैं समुंदर का हवा लेने के लिए। एंड उनका जो गार्डन है पीछे साइड में, उनका छोटा सा एक गार्डन है, गार्डन के पीछे जो है पूरा एक बंगलो है, बंगलो के पीछे जो है एक बिल्डिंग है, वहाँ से उनकी जो है एंट्री होती है। वो जो है उनका मेन गेट जो है बिल्डिंग के आगे की तरफ है जहाँ पर अनिल अंबानी जी का घर है। फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर रतन टाटा जी अपने मैनेजर्स के साथ जो है यहाँ पर आ गए हैं। और काफ़ी वेट करने के बाद आई थिंक जो है मुझे 1-2 घंटे यहाँ पर वेट करना पड़ा, तभी रतन टाटा सर आए। और मैं आप लोग को लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो उनकी डॉगी भी है और वो जो है अभी बैठ रहे हैं, अभी जस्ट जो है आए हुए हैं और यही बंगलों से अभी निकले हैं। और ये जो है बालकनी है, काफ़ी जो है बेहतरीन एंड अमेजिंग व्यू लेते हैं शाम के टाइम का नज़ारा काफ़ी। देख सकते हो ये साइड में पूरा सनसेट हो रहा है। और रतन टाटा जी है काफ़ी जो है, एक बार मैं पहली बार आया था तो इनसे बातें भी नीचे से मैंने बात भी किया था, रतन टाटा जी हाथ ऊपर करके और जो है हाथ भी जोड़े थे, मैंने नमस्ते किया था। तो और जान सकते हो कि इतने करोड़पति लोग जो है हाथ ऊपर करते नहीं है। रतन टाटा जी इतने हम्बल पर्सन हैं कि कोई भी जो है आए उनको जो है ऐसे जाने नहीं देते हैं। और कुछ भी यहाँ पर
जो है नमस्ते वमस्ते करो तो रिप्लाई ज़रूर देते हैं। रतन टाटा जी का यही घर है जो कि कुलावा में स्थित है। आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। होप सब आप लोग रतन टाटा जी से मिले रहेंगे। मेरे पीछे ही उनका बंगलो है एंड आप लोग को जो है उनको चलते हुए भी अब मैंने दिखाया है। एंड जो है बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि ये वाला बंगला नहीं है, लोग जो बोल रहे थे कि ये फेक बंगला है, ये रियल बंगला है, यहीं पर वो रहते हैं। कुछ देश के लिए करते हो एंड खिलाड़ी हो एंड जो है सोशल मीडिया का स्टार हो, कुछ बड़े स्टार हो तो ही यहाँ पर मिल सकते हो उनसे। अदरवाइज यहाँ पर अदर पर्सन को यहाँ पर अलाउड नहीं है उनसे मिलने के लिए। सो गाइस बस ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जय हिंद।